नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 12 दिसंबर 2019, और यहां पर हम लोग निफ्टी आईटी स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे। उसमें जितने भी स्टॉक्स आईटी के शामिल है, सारे आईटी स्टॉक्स एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कौन सा आईटी स्टॉक किस लेवल पर खड़ा है, कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, तो डिस्क्लेमर को हमेशा ध्यान में रखें, उसके बाद अपना डिसीजन खुद लें। तो सबसे पहला है एससीएल टेक का। जैसा कि आप देख रहे हैं, एससीएल टेक आज थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है, अपने 200 डीएमए को बिल्कुल ब्रेक कर चुका है। हालांकि ये वीक तो कंटिन्यू एक पूरे मंथ ही पूरा वीक रहा, पर आज इसने फाइनल अपना जो लॉन्ग सपोर्ट रहता है उसको इसने ब्रीच कर दिया है, तो थोड़ा चार्ट पे और वीक हो गया। अब ये लास्ट चांस है इसके पास, अंतिम। अगर ये कल ट्रेड कर गया 535 के नीचे, 530 के नीचे, तो ये पूरा वीक हो जाएगा, फिर 520 तक का एक टारगेट आपको दिखा सकता है। अगर इसको बाउंस बैक लेना होगा तो कल इसको किसी भी हाल में 540 के ऊपर निकलना होगा, तो फिर ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, अदरवाइज ये पूरा वीक हो जाएगा एससीएल टेक। हेक्सावेयर फिर से उसी तरह के रेंज में फंसा हुआ है। दोस्तों, एक रेंज बना लिया इसने, छोटा एक रेंज बना लिया, नीचे की तरफ में 325 का रेंज है, ऊपर की तरफ में 350 का रेंज है, यानी 25 पॉइंट का एक रेंज बना लिया, उसके अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर ये 350 को ब्रेक करेगा तो एक बार 360 और 70 का टारगेट दे सकता है आपको। फाइनल हम लोग इसको 400 के ऊपर पोजिशन बनाएंगे लॉन्ग का, 440 के टारगेट के लिए। इन्फीबीम, अभी हम लोग बिल्कुल इन्फीबीम में कोई पोजिशन नहीं बनाएंगे। देखिए, अब इसी लाइन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो यही आके इसका एक सपोर्ट बनेगा, जो लगभग 44 रुपए के आसपास का आता। स्टॉक्स अगर ये ब्रेक करता है 45 को तो फिर 44 के पास आना चाहिए। अगर इसको ऊपर जाना है तो कम से कम 48 को इसको ब्रेक करना पड़ेगा। 48 को ब्रेक करेगा पहले, तब 50 तक के एक लेवल दिखा सकता है। इन्फोसिस देखिए, 720 के ऊपर अगर ये निकलता है, 725 के ऊपर, तो ज़्यादा बेस्ट है। मैंने आज पोजिशनल स्टॉक्स के रूप में इसको दिया है बाय के लिए, लेकिन 725 के ऊपर, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। जब तक ये 725 के ऊपर ना निकले ना, इसमें हम लोग कोई भी लॉन्ग पोजिशन नहीं बना सकते हैं इन्फोसिस में। तो जब तक 725 ब्रेक ना करे ऊपर की साइड में, कोई पोजिशन नहीं बनाएंगे। नीचे अगर ये ब्रेक करता है 695, 690 को, तो थोड़ा वीक हो जाएगा, जो 675 तक लेके आ सकता है इन्फोसिस को। OFSS देखिए, आज तो इसने कमाल कर दिया, आज इसने कमाल कर दिया। कल मैंने कहा था 2890 के नीचे अगर ये निकलेगा तो पूरा वीक हो जाएगा, फिर आपको इसे 2700 तक के टारगेट दे सकता है। स्टॉक ने सीधे जो आज लो लगाया इसका, अगर आप लो देखें तो डर जाइएगा, 2300 तक का लो लगा दिया दोस्तों। मतलब कितना परसेंट इसने गिरावट दिखा, हालांकि कवर करके क्लोज कर गया ऊपर में, लेकिन गिरावट जो इसने दिखाया है कितना, 500 पॉइंट का, वहां से लगभग 500 से 600 पॉइंट का आपको गिरावट दिखाया। अभी वापस उसी बॉक्स में ये जाके सेट हो चुका है, तो ये बॉक्स से फिर से अगर एक बार बाहर निकलेगा, जिस तरह उधर पोजिशन बनाएगा, 3000 के ऊपर निकलेगा तो 3100 का टारगेट, वापस से 2890 को ब्रेक करेगा तो फिर से 2700 का टारगेट दे सकता है। टाटा इलक्सी 880 के ऊपर, देखिए मैंने कहा था कि अगर ये 850 के ऊपर निकलेगा तो 880 का टारगेट देगा, लेकिन अभी 850 को ब्रेक कर नहीं पा रहा है। 850 को ब्रेक करके क्लोज करेगा तो 880 का टारगेट, फाइनल पोजिशन 880 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे बनाएंगे, जो 900 तक का एक टारगेट दे सकता है। नीचे अगर ये ब्रेक करेगा 800 को, तो फिर ये नीचे के लेवल आपको 770 तक का दिखा सकता है। माइंडट्री, अभी दोस्तों माइंडट्री में ये ब्रेकआउट हुआ है, अच्छा खासा ब्रेकआउट है, तो बने रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए 730 रुपए का, और फाइनल पोजीशन जो होगा 790 तक का होगा। विप्रो बाउंस बैक ले रहा है, लेकिन हम मुझे लग रहा है ये नीचे की साइड में एक लेवल है, आपको फिर से एक बार टच करेगा 233 के आसपास, एक बार फिर से इसको आना चाहिए। अगर ये 233 के पास आता है तो वहां से फिर से बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी बनेगी, और अभी एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है छोटा, अगर इसको ब्रेक करेगा 240-42 को, तो एक ऊपर के टारगेट 245 से 247 तक का दे सकता है इंट्राडे में विप्रो। टेक महिंद्रा इसी प्राइस चैनल के अंदर है, जब तक इस प्राइस चैनल के अंदर है कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। टेक महिंद्रा ऊपर 762-763 के ऊपर निकलेगा तो एक टारगेट देके जाएगा 780 तक का। TCS नो ट्रेडिंग जोन में, अभी से दूर रहेंगे TCS से, सिर्फ वॉच कर सकते हैं और कुछ नहीं। NIT टेक एक मूवमेंट इसमें मान के चल रहा हूँ कि अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है 1500 को, अगर राउंड फिगर में ये ब्रेक कर देगा, हाई लगाया था जिसने 1493 के आसपास का, अगर ये 1500 को ब्रेक करता है तो 1550 तक का एक लेवल आपको दिखा सकता है NIT टेक। तो नजर बना के रखेंगे NIT टेक पे हम लोग, जैसे ही ब्रेक करेगा 1500 को, एक पोजिशन बनेगा 1550 के लिए। जस्ट डायल इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ धीरे धीरे, आज भी जस्ट डायल मैंने दिया था, कल भी दिया था, टारगेट डन किया, आज भी मैंने दिया था, 3 स्टार में टारगेट डन कर दिया। तो स्टॉक्स एक ब्रेकआउट हो सकता है, अगर ये 580 के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा, 580 के ऊपर निकलेगा तो 620 तक का एक टारगेट आपको पोजिशनली दिखा सकता है जस्ट डायल। तो जस्ट डायल पे दोस्तों नजर बना के जरूर रखिएगा। तो
तो ये था दोस्तों निफ्टी आईटी स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट देके मुझे बता सकते हैं और बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।